एक बड़ी अच्छी कथा आती है। किसी मूर्तिकार ने दो पीतल की मूर्ति बनाई, सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, दो पीतल की मूर्ति बनाई किसी मूर्तिकार ने और प्रदर्शनी में रख दी गई। दोनों का बराबर वजन था, एक जैसी शकल थी, उन दोनों का मूल्य उस पर लिखा हुआ था। एक मूर्ति थी 500 रुपए की और एक मूर्ति थी 50,000 रुपए की। अब हजारों लाखों लोग देखने के लिए आने लगे, देखते जाते हैं और विचार करते हैं, पूछते हैं बनाने वाले से, भाई इनमें ये 50,000 वाली में कुछ सोना मिला है क्या? बोले नहीं नहीं, प्योर पीतल की है, 100% शुद्ध पीतल की है। तो बोले ये 500 वाली इसमें क्या है, लोहा मिला है? बोले नहीं, ये भी पीतल की है। तो बोले दोनों एक धातु की बनी हुई है, पीतल की ही बनी हुई है, फिर मूल्य में इतना फर्क क्यों है? बोलो राधे राधे, समझ में आ रही बात? दोनों मूर्ति एक बराबर बनी, एक वजन की बनी, एक धातु की बनी, लेकिन मूल्य में इतना फर्क क्यों है? एक 500 रुपए की, एक 50,000 रुपए की। बोले ये फर्क ही तो आपको बताना है, आप इतने लोग आ रहे हो, फर्क ये बताओ कि इसमें फर्क क्या है। सब लोग देखते हुए जा रहे हैं, सब लोग देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं जान पा रहा है। उधर से संत श्री कालिदास जी निकल रहे थे। संत ने कहा वही फर्क हम देखते हैं। तो महात्मा ने देखा ये जो 500 वाली, बोले पीतल की है? बोले हाँ महाराज जी पीतल की है। बोले वजन कम ज्यादा? बोले बिल्कुल बराबर वजन है, कोई कम ज्यादा वजन नहीं है, कोई कम ज्यादा वजन नहीं है, बराबर है। तो संत ने क्या किया, एक सुतली ली पतली सी आगे से करके, पानी से गीली करके, और एक मूर्ति के कान में से डाली और वो सुतली इस कान में होकर के बाहर निकल गई। बोली ये 500 रुपए की है? बोले हाँ महाराज जी सही कह रहे हो, ये 500 की है। दूसरी मूर्ति के कान में वही सुतली जब डाली तो कान में से पार नहीं थी, पार छेद नहीं था, वो पूरी सुतली अंदर पेट में ही चली गई। बोली ये 50,000 की है। मायने क्या, तात्पर्य क्या, समझे इसका मतलब? इस कान में से डाल करके इस कान में निकाल दे, वो श्रोता के लक्षण नहीं है, वो मुख्य के लक्षण नहीं है, वो जानने वाले के लक्षण नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति तो तब होगी जब कान में से गया हुआ भीतर चला जाएगा, और भीतर तब जाएगा जब तुम्हारा ध्यान एक जगह होगा। बोल बंसी वारे की।